दोस्तों, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अगर आप अपने ही मोबाइल से रिजल्ट देखना चाहते हैं तो दोस्तों बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं। BA, BSc या कोई भी यूनिवर्सिटी का आप रिजल्ट यहाँ पर निकाल सकते हैं। अगर यूनिवर्सिटी का निकालना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी का निकाल सकते हैं, या किसी बोर्ड का निकालना चाहते हैं तो दोस्तों आप बहुत ही आसानी से घर बैठे ही अपने ही मोबाइल से इसको देख सकते हैं। अगर आपके पास किसी का रोल नंबर नहीं, जैसे आपका कोई फ्रेंड है या फैमिली मेम्बर में आपको रोल नंबर नहीं दिया है, या दिया है तो आप भूल गए हैं, तो दोस्तों बहुत ही आसानी से सिर्फ आप उसके नाम से रिजल्ट देख सकते हैं। BA, BSc, BCom या बोर्ड का 10th या 12th का रिजल्ट देखना चाहते हैं तो सिर्फ उसके नाम से आप देख सकते हैं घर बैठे। तो दोस्तों आप रिजल्ट कैसे देखेंगे BA, BSc, BCom का, इससे पहले आपसे थोड़ी सी गुजारिश है दोस्तों। सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें, और लाइक करने के बाद शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों को व्हाट्सअप, फेसबुक पर। और दोस्तों आप नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में एक घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि आप हमारी ऐसी ही आने वाली नई नई वीडियो देख सकें सबसे पहले। और दोस्तों आपको एक कमेंट करना है, आप यहाँ पर कौन सा रिजल्ट देखना चाहते हैं, BA, BSc या 10वीं या 12वीं का रिजल्ट देखना चाहते हैं, वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। आप अगर BA का देखना चाहते हैं या BSc का आप देखना चाहते हैं तो वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों आप अपने ही मोबाइल से सिर्फ नाम से रिजल्ट कैसे निकालेंगे, दोस्तों इसके लिए आपको अपने मोबाइल के ब्राउज़र में जाना होगा। आप जाएंगे अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में, यहाँ पर आपको टाइप करना है www, यहाँ पर आपको indiaresult.com। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे फिर आपको यहाँ पर अपने आपको स्टेट सिलेक्ट करना है। प्लीज़ सिलेक्ट योर स्टेट, आप कोई से राज्य के हों, यहाँ पर आपको मैं आपको बताऊँगा उत्तर प्रदेश का। यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जितने भी बोर्ड हैं यूपी में यहाँ पर आ जाएंगे। और यूनिवर्सिटी का देखने के लिए जो भी आपके यहाँ पर स्टेट में यूनिवर्सिटी है वो सारी आ जाएंगी। मैं आपको बताऊंगा महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो भी रिजल्ट आएगा तो यहाँ पर अवेलेबल यहाँ पर दिखाएगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं नाउ अवेलेबल, तो यहाँ पर आपको उस पर ही क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे फिर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं रोल नंबर, अगर आपको रोल नंबर पता है तो यहाँ पर आप रोल नंबर डाल सकते हैं। अगर आपको रोल नंबर नहीं पता है, जैसे आपको कोई फ्रेंड का देखना है उसका रोल नंबर आपको नहीं पता है, वो आपको नहीं बताता है, तो सिर्फ आप उसके नाम से देख सकते हैं। यहाँ पर आपको पहले यहाँ पर सिलेक्ट कोर्स, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे फिर आप किसका देखना चाहते हैं, BCom Part 3, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे जिसका भी रिजल्ट आ चुका है। जैसे मुझे देखना है यहाँ पर BSc 3, तो जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे फिर आपको अगर रोल नंबर पता है तो रोल नंबर डाल दें, और नहीं अगर नाम से सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप नाम सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर मैं कोई भी एक नाम डाल लेता हूँ, यहाँ पर मैंने नाम डाल लिया। फिर मैं इसको यहाँ पर आप देख रहे हैं फाइंड रिजल्ट पर, जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस नाम के जितने भी हैं वो आ जाएंगे। अब आप यहाँ पर जान सकते हैं कि हमारे जो फ्रेंड की उसके फादर का नाम क्या है, या उसके यहाँ पर माता का नाम क्या है। जिसका रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर गेट पर क्लिक कर देना है। जैसे मुझे ये देखना है ऊपर वाला, तो गेट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूरा रिजल्ट उसका आ जाएगा, कितने नंबर इसमें आए हैं, फेल हुआ है या पास हुआ है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये फेल हो गया है। तो जिसके नंबर, जिसका अच्छा रिजल्ट नहीं आता है वो रोल नंबर नहीं बताता है, तो दोस्तों आप सिर्फ उसके नाम से निकाल सकते हैं। यहाँ पर BA, BSc जो भी यूनिवर्सिटी का निकालना चाहें तो सिर्फ उसके नाम से आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें।